हेलो आवाज आ रही है yes, दो बयालीस हो रहे हैं बारह बच्चे आए हैं स्टार्ट करते हैं चलो तो हम जी की बात कर रहे थे और जी में हमने चीज़ें पता की थी और हम आ गए थे टॉपिक पे कि जी के सॉफ्टवेयर कैसे हैं थोड़ा सा एक और बता देता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस तरह की कि, कि हम कोई डाटा लें कोई डाटा लेके अब उसको कैसे कन्वर्ट करें ग्राफिकली या उसको एनालाइज करके कुछ चीज़ का कैसे पता करें ठीक है कि आपका मान लो आपने किसी ग्राउंड का आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई डाटा कोई पॉइंट्स आपने कलेक्ट किया अब उस डाटा को कन्वर्ट करना है एनालाइज़ करना है ग्राफिकली शो करना है तो कैसे करें वो जी की हेल्प से हो सकता है उसमें जी की भी हेल्प ली जा सकती है उसके लिए हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़र और एक यूज़र जो है उसको उस चीज़ की स्किल होनी चाहिए उसको वो चीज़ आनी चाहिए तो ये सब पढ़ा था उसमें फिर आया था कि जी के सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करते हैं जहाँ लास्ट लेक्चर ख़त्म हुआ था तो जो इसके सॉफ्टवेयर जिस है वो है आपका वेब बेस्ड अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे हाँ वेब बेस्ड जीआईएस यानी कि आपको जो ब्राउजर है कंप्यूटर में आप ब्राउजर में ही कोई ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है कोई ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे आप डाटा इंपोर्ट करके आ, और उसको एनालाइज कर सकते हो उसको कन्वर्ट कर सकते हो ऐसी कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का मतलब तो ये नहीं कि कोई एप्लीकेशन है ऑनलाइन ब्राउजर में आप यूज कर सकते हो उस तरह के सॉफ्टवेयर को वेब बेस्ड जी कहते हैं और एक होता है आपका ऐसा ब्राउज़र जिसमें डाटा पहले से अवेलेबल है उसको बस आपको एनालाइज करना है जियो ब्राउज़र जैसे कि गूगल अर्थ गूगल अर्थ को आप ब्राउज़र में ओपन करोगे तो उसमें सारा डाटा आ जाएगा अर्थ के रिगार्डिंग आप कोई भी शहर कोई भी सिटी किसी भी चीज़ को आप देख सकते हो उसमें टोपोग्राफी भी आ जाती है एलिवेशन भी आ जाता है यहाँ तक कि उसे मून को भी देख सकते हो मार्स को भी देख सकते हो अगर आपने कभी चेंज करके देखा हो अर्थ के वहां पे आता है एक ऑप्शन वहाँ मूर्स मून और मार्स को भी आप देख सकते हो जब आप गूगल अर्थ को एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे कंप्यूटर में एक होता है आपका ये क्या कहते हैं डेस्कटॉप जीआईएस यानी कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिनको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर में उसके बाद हम उनसे उनमें डाटा इंपोर्ट करके डाटा से हम खेल सकते हैं डाटा को एनालाइज कर सकते हैं खेलने का मतलब है जो आपका काम है उसको यूज कर सकते हो तो ये इस टाइप के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वेब बेस्ट जियो ब्राउजर डेस्कटॉप क्यूँ जी जो है ये भी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है क्वांट जी सॉफ्टवेयर अब इसी को इन्होंने डिस्कस किया हुआ है वेब बेस्ड क्या होता है वेब बेस्ड जीआईएस ऑनलाइन जीआईएस एप्लीकेशन मोस्ट केसेस आर एक्सीलेंट डाटा विजुअलाइजेशन उसके बाद इन्होंने कहा है जियो ब्राउजर लाइक गूगल अर्थ जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड आप इंफॉर्मेशन पा सकते हो स्पेशियल रेफरेंस स्पेशियल का मतलब आप जब भी मैं स्पेशियल का मतलब स्पेशियल शब्द बोलूँगा आपको बोलना है आपको सोचना है अब मैं बात कर रहा हूँ लोकेशन की ठीक है उसके बाद डेस्कटॉप आर्क जी आई एस क्यू जी आई एस ये सॉफ्टवेयर फ्री वेयर है आप कहीं पर भी आप अपने कंप्यूटर में सर्च करके गूगल पर डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कैसे होते हैं ठीक है, है? इनमें हम डाटा इंपोर्ट करके बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज ले करके हम डिसीजन ले सकते हैं हम पॉलिसी बना सकते हैं जो जो बताया जाए इसके बारे में वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं इसके बाद क्यू जी आई एस क्वांटम जी आई एस डेवलपमेंट टू थाउजेंडर सिग्निफिकेट इट ओपन सोर्स फ्री वे सॉफ्टवेयर विंडोज एंड्रॉइड इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम इम्पोर्टिंग डाटा फॉर मल्टीपल सोर्सिस डिजिटलाइजेश प्रोसेसिंग सिंपल सिंपल मोटा मोटा आप ये समझना है इसमें कि जो जी आई एस के, के जो सॉफ्टवेयर हैं फ्रीली अवेलेबल हैं कुछ विंडो ब्राउजर में प्ले होते हैं कुछ के लिए अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है कुछ पहले से एक पैकेज बना हुआ आता है जैसे कि गूगल अर्थ उसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा को एडिटिंग कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोसेसिंग कर सकते हैं और हम डिस्प्ले कर सकते हैं ठीक है विंडोज़ में चला सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर को एंड्रॉयड और मैक और यूनिक्स या लाइन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम चला सकते हैं ये इसका मोटा मोटा है आपका जो ये बताना चाह रहा है अब बात करते हैं डाटा की तो देखो इसमें पढ़ता हूँ उसको उसको क्या कह रहे हैं जी आई एस इन कॉरपोरेट जियोग्राफिकल फीचर डाटा इन ऑर्डर टू मैप एनालाइज एन एस एस रियल वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड है उसका जैसे कि एक माउंटेन है उस माउंटेन की जो जो जोग्राफिकल है वो आपको ज्योग्राफिक जो है माउंटेन की ऐसे एलिवेशन है ऐसी शेप है वो आपको डिजिटली दिखानी है तो आपको जो डाटा मिलेगा वो टेबुलर फॉर्म में भी मिल सकता है जिसको बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो मैप में एनालाइज कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो उसके बाद कह रहे हैं डाटा डेट इज समे रिफ्रेंड लोकेशन टू द अर्थ एट्रीब्यूट डाटा एट्रीब्यूट डाटा क्या होता है जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल कहा था कि मैंने रेंडमली तीन नंबर लिखे थे ट्वेंटी टू या फोर्टी टू एट्टी वन ये क्या है? डाटा है लेकिन अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये एक हैं 22 एज है 42 एज है 81 एज है तो क्या हो गया थोड़ा एडिशनल डाटा ऐड हो गया और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल गई अब मैं ये बोलूँ कि जो 22 एज वाला है वो इंडियन है 42 वाला अमेरिकन है और 81 वाला आपका अफ्रीकन है तो आपको और डिटेल मिल गई ठीक है तो एक डाटा है जिससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है लेकिन उसमें आप एट्रीब्यूट डाटा और ऐड कर दोगे तो और डिटेलिंग में आपको चीजें मिल जाएंगी उसके बाद है जोग्राफिक डाटा रिलेटेड टेबुलर डाटा प्रोड्यूस डिजिटलाइजिंग इमेज फ्रॉम एरियल फोटोग्राफ एंड पब्लिश मैप ये सब है आपका जैसे कि आपने क्या कहते हैं एरियल फोटोग्राफ ले लिया ठीक है ये आपका एक मान लो एक हॉस्पिटल है आपने हॉस्पिटल को एक ग्राफ में दिखाया एक मैप में लाइन से स्क्वायर बना के ठीक है लेकिन अगर आप स्क्वायर बना के आपने ये भी बता दिया कि उसके पास रोड है उस हॉस्पिटल का नाम भी वहाँ पे लिख दिया तो ये क्या हो गया एट्रीब्यूट डाटा है ये एडिशनल डाटा सच सचस कॉलेज नेम्स एंड कैपेसिटी ये सब है है ना जैसे कि आपने एक रिवर बनाई है रिवर का मैप है आपके पास लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि रिवर का लेवल कितना है ठीक है उसमें फ्लो क्या चल रहा है वहाँ पे जो भी चीज है थोड़ी सी और एडिशनल डाटा एडिशनल एट्रीब्यूट डाटा उसको बोलते हैं आ सकता है पूछा जा सकता है कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल डाटा एंड एट्रीब्यूट डाटा स्पेशल डाटा क्या होता है किसी के लोकेशन किसी कोऑर्डिनेट आप जियोग्राफिक फीचर्स आप बता रहे हो और एट्रीब्यूट डाटा जो मैंने अभी आपको बताया एडिशनल डाटा होता है अब इसमें कह रहा है कि क्या क्या चाहिए पीपल्स चाहिए ऐसे पीपल जो ऐसे लोग चाहिए हमें जो स्पेशलाइज्ड हो उस काम के लिए जिसके लिए वो जी आई एस यूज करें जी आई एस का भी उसको आना चाहिए प्लस उसके लिए जैसे कि एक बंदा है उसको काम करना है कि उसको ये निकालना है कि रिवर की कैपेसिटी कितनी है एक रिवर की कैपेसिटी ठीक है तो अब रिवर की कैपेसिटी के लिए उसको जो भी हाइड्रोलिक जो भी नॉलेज होती है वो भी होनी चाहिए और जी आई एस की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए Methods, एक GIs अब आता है आपका येट सिस्टम तो एक होता है जियोग्राफिक कोर्डिनेट सच एस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होते हैं जियोग्राफिक आपको ग्लोब में किसी की भी लोकेशन बतानी है तो लॉन्गिट्यूडीट्यूड से आप बताते हो एक होता है मैप प्रोजेक्शन मैप प्रोजेक्शन क्या होता है कि मैप है आपको उसको ग्रिड में डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ ग्रिड जो होती है छोटे-छोटे स्क्वायर जो होते हैं उसको बोलते हैं मैप प्रोजेक्शन ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट वही एक्स वाई जेड होते हैं जेड जो होता है आपका नॉर्थ पोल शो करता है फिर 90 डिग्री पे आपका एक्स और वाई होते हैं ठीक है लैटिट्यूड लोंगिट्यूड पता है आपको क्या होते हैं लैटिट्यूड होता है आपका जो आपका अगर आपके सामने मैं अर्थ को रख दूं जो लाइन आपको सर्कुलर दिखाई देगी वो होती है लेटिट्यूड और जो नॉर्थ पोल साउथ पोल से कनेक्ट होती है वो होती है आपका लॉन्गिट्यूड ठीक है ये सब वही बेसिक चीजें बताई हुई है अब बतावा कैरेक्टराइजिंग ज्योग्राफिक फीचर तो जो ज्योग्राफिक फीचर है उसको तीन तरीके से आप दिखा सकते हैं पॉइंट लीनियर एरियल एक डॉट में दिखा सकते हैं आप किसी चीज किसी डाटा को ठीक है जैसे कि आपने आप गेम खेलते होंगे आप गेम में मैप देखते होंगे तो मैप में जो एनिमी होते हैं रेड डॉट में दिखा देते हैं है ना लीनियर में लीनियर में रोड दिखानी है तो रोड तो डॉट में नहीं दिखाओगे ना वो लीनियर वे में दिखाओगे उसको कोई एरिया दिखाना है हॉस्पिटल या कुछ तो वो एरिया फॉर्म में दिखाओगे तो तीन तरह की फॉर्म में आप डाटा को दिखा सकते हो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जैसे कि एक वेदर स्टेशन या एक स्ट्रीट लाइट ठीक है ये सब क्या पॉइंट में आप दिखा सकते हो लीनियर में रिवर रोड पाइपलाइन ये लीनियर में दिखाओगे और एरियल में क्या होगा आपका क्लोज स्ट्रिंग होगा कोई स्पेशियल कोऑर्डिनेट होगा जैसे फॉरेस्ट सॉइल ठीक है कोई किसी की बाउंड्री क्लाइमेट जोन इस तरह के इन सबको एरियल में और इन सबके कॉम्बिनेशन से भी आप शो कर सकते हो अपना डाटा जी आई एस डाटा टाइप ये इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है थोड़ा सा ध्यान देना दो तरह के डाटा टाइप होते हैं स्पेशियल डाटा जो मैंने बताया था कि वो पोजिशन लोकेशन बताता है आपको किसी भी फीचर और इवेंट की अर्थ पर ठीक है लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में किसी और डाटा में एट्रीब्यूट डाटा मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा डिटेल होती है जो कैरेक्टरिस्टिक बताता है उस चीज की कि माउंटेन तो बता दिया माउंटेन है यहाँ पे एक चीज लेकिन वो किस टाइप का वहां पे रॉक है किस टाइप का कितनी हाइट है उसकी वो कहा उसके आस का एरिया कैसा है वो सब क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है तो उसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट डाटा अब यहाँ पे इसको भी ध्यान से देखना है स्पेशियल डाटा स्पेशियल डाटा टू टाइप का होता है यहाँ पे थ्री टाइप लिखा हुआ है किसी इवेंट की किसी ऑब्जेक्ट की फीचर्स की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है अर्थ के सरफेस पे अब ये डाटा टू टाइप का होता है रेस्टर एंड वेक्टर रेस्टर में क्या होता है पिक्सलट में बताता है अगर आप किसी चीज को जूम करते हो अपनी स्क्रीन पे भी देखोगे हर चीज पिक्सल से बनी होती है ठीक है प्लेन होती है फ्लैट वेक्टर में क्या होता है उसमें किसी पाथ को फॉलो करता है वो अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा इसका देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ डाटा इज क्लासीफाइज सच एज इन इमेज सेल्स होती हैं ठीक है उसको बोलते हैं हम रेस्टर टाइप जिसकी फॉर्मेट होते हैं टिफ जिफ ई आर डी एस आई आई एम जी कैट ड्रॉइंग एसेक्टा जे पैक ये सब जो आप फोटो खींचते हो ये सब क्या है आपका रेस्टर टाइप का है ठीक है सेल्स होती हैं इस तरह की यह दिया हुआ है कि डॉट डॉट से जो रेड कलर की डॉटर टाइप का डाटा है वेक्टर में किसी पाथ को लाइन को जो अभी तीन तरह के हमने बताया था ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफिक डाटा पॉइंट लीनियर एरिया इसके कॉम्बिनेशन यानी को हम बोलते हैं वेक्टर में कि हम वेक्टर या हम इसको कैसे यूज करते हैं ये आपका ग्रीन ग्रीन लाइन जो है आपका ये क्या है वैक्टर अब यहाँ पे इसको देख लो एग्जाम्पल फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकली इसमें एक चीज दिखाऊंगा इसी की ये है आपका अगर एक घर है एक्चुअल में एक घर है प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में उसको अगर रास्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो देखो यहाँ क्या दिखाया हुआ है सेल्स दिखाई हुई है वो भी मेन मेन पॉइंट की यहाँ पे एक सेल्स यहाँ पे एक सेल्स एक्यूरेट नहीं दिखाया हुआ पर थोड़ा सा दिखाया हुआ है यहाँ पे ब्लैक डॉट दिखाई हुई है लेकिन अगर इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे डिस्टेंस होगी उसकी कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन से, से। इसी तरह यहाँ पे आपका जा रहा है हाई इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं यहाँ पे तो इसको देखो इस तरह से दिखाया गया रेस्टर में और इस तरह से दिखाया गया वैक्टर में इस तरह पे ग्रीनरी है तो उसको यहाँ इस तरह से दिखाया गया और यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया रोड्स को इस तरीके से दिखाया गया रेस्टर में और वैक्टर में इस तरीके से हिल एरिया को रेस्टर में इस तरीके से दिखाया वेक्टर में लाइक कॉन्टूर आपका इस तरीके से दिखाई दिया तो ये आपका डिफरेंस होता है अब एक और डिफरेंस में आपको दिखाता हूँ आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा रेस्टर है कौन सा वेक्टर है ये आपको ये पैगविन की इमेज दिखाई दे रही है जरा कोई कंफर्म करो हेलो सर दिख रही है अब मैं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है अब मैं इसको जूम करता हूँ अगर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ूम किया है इसको तो आपको पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं एजिस पे पिक्सल दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर बताओ कोई यस yes, सर और जहाँ पे हमारा कलर लीनियर है चेंज नहीं हो रहा वहां तो स्मूथ दिखाई दे रहा लेकिन है लेकिन जहाँ एजिस है कलर वेरिएशन आ रहा है वहां है इसी को बोलते हैं रेस्टर डाटा ठीक है इस फॉर्म में जो डाटा होता है वो रेस्टर फॉर्म होता है अब वैक्टर में क्या होता है अभी रेस्टर के जो आपको एग्जाम्पल दिखाए थे टिफ जे पैक जी आई एफ ये क्या है आपका रेस्टर डाटा की फॉर्म है लेकिन अगर मैं बात करूँ वैक्टर की तो वैक्टर में आता है आपका सी डी एक्स आता है आपका अह uh, DXF आता है ये फॉर्मेट आपको पता नहीं होंगे लेकिन एक फॉर्मेट जो है आप बहुत अच्छे से जानते हो वो है आपका PDF तो जो PDF फॉर्मेट है वो वेक्टर फॉर्मेट है अब मैं वेक्टर में दिखाता हूं आपको जो मैं PDF पढ़ा रहा हूं इसी को मैं ज़ूम करता हूं इसी इसी डाटा देख लेते हैं इसी को देखिए

तो सही दिखाई देगा जूम आउट करेंगे तो पिक्सलेट हो जाएगा वो है ना तो वो ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर सेल्स को यूज करके डाटा हम लेके कुछ चीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो रेस्टर हो गई और ये हो गया वैक्टर हो गई ठीक क्लिप आर्ट जितनी भी होती हैं वो वैक्टर फॉर्म में होती हैं उनको कितना भी जूम कर लो जो आपका पोस्टर वोस्टर डिजाइन होते हैं उनके लिए वैक्टर यूज किया जाता है कि बाद में प्रिंट हम निकाल लें कितना भी बड़ा प्रिंट निकाल लें उनका पिक्सलेट ना हो वो तो वो वेक्टर फॉर्म में होती है कभी कभी छोटी सी इमेज है उसको कितना भी बड़ा करके यूज कर सकते हो अगर वो वेक्टर इमेज है और कभी कभी क्या होता है आप कितने भी अच्छे कैमरे से बड़ी से बड़ी इमेज खींच लो लेकिन उसको बहुत बड़ा करोगे तो पिक्सलेट हो जाएगी क्योंकि वो डाटा ही उस फॉर्म में है है ना इनको कन्वर्ट किया जा सकता है उसके लिए वही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और क्या कहते हैं यूजर ये सब चाहिए होता है प्रोसेसिंग चाहिए होती है कन्वर्ट करने की टेक्निक चाहिए होती है कोई भी डाटा अगर मैं इसी को इसी पी को किसी कन्वर्टर से जे में कन्वर्ट कर लूँ करते हैं ना जेपैक में कन्वर्ट ऑनलाइन कर लेते हैं अलग अलग पेजेस में तो वो जो पेजेस होगा उनको जब तुम जूम करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डाटा ये आपका रेस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा डिपेंड करता है कन्वर्टर पे ना भी हो हो भी जाए ठीक है लेकिन अगर आप मैं गूगल पे ही लिखूं कोई भी वैक्टर वैक्टर इमेज मैंने गूगल पे लिखी है कोई भी वैक्टर इमेज तो यहाँ गई अगर मैं इमेज पे सर्च करके कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ जैसे पैगविन की मैंने ली थी आ, जैसे कि यही बोल रहे हैं कि भाई ये वी एस जो है वेक्टर है और ये वाला वी एस जो ब्लर हो रहा है ये हो रहा है आपका रेस्ट लेकिन मैं जूम करके देखता हूँ अगर मैं जूम कर रहा हूं तो जिसको ये वेक्टर बोल रहे हैं ना वो भी आपका पिक्सलेट हो रही है क्योंकि ये जो स्क्रीन है ना ये ब्राउजर है ये जो ब्राउजर है ये किसको फॉलो कर रहा है किस कौन से फॉर्मेट को रेस्टर फॉर्मेट को तो हमें उसी फॉर्मेट में इमेज को डाउनलोड करना होगा और उसी फॉर्मेट के व्यूअर में हमें उसको देखना होगा जैसे पी है पीडीएफ को पीडीएफ में ही हमें देख रहा हूँ तभी वो हमें वेक्टर नजर आ रही है तो ये था डिफरेंस इसमें वेक्टर और रेस्टर में ठीक है तो ये बना हुआ है आपका चार्ट उसके बाद क्या कह रहा है कि ये लेयर्स बता रहा है जो मैं बता चुका हूँ लेको जी आई की देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है मैप एक मैप दिखाया गया रेस्टर में एक उसी मैप को वैक्टर में दिखाया गया फिर उसी को रियल वर्ल्ड में दिखाया गया तो ये डिफरेंस होता है इन सब मैप्स मैप map, क्या कहते हैं मैप्स में रिमोट सेंसिंग का यूज होता है जीआईएस में पर इसके ऊपर पूरी आपकी एक यूनिट है फिफ्थ यूनिट आपके रिमोट सेंसिंग के ऊपर है तो इसको तभी डिस्कस करेंगे हम वट डाटा कलेक्ट एयरक्राफ्ट के लिए हाई लेटीट्यूड लो लेटिट्यूड स्पेस क्राफ्ट के लिए लैंड सेट स्पॉट वेदर सेटेलाइट जीओ आई यहाँ पे और दिया हुआ है हाइड्रोलॉजी में अगर आप यूज कर रहे हो जी आई इसका तो हमें डाटा क्या रिक्वायरमेंट चाहिए डिजिटल एलिवेशन मॉडल स्लोप एस्पेक्ट वाटर शेड सब कैचमेंट ड्रेनेज नेटवर्क है ना अगर देखो ऐसा भी होता है जैसे कहीं पर बाढ़ आती है फ्लड आता है वहाँ पे तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो जीआईएस से ही रिसर्च करते हैं जीआईएस से वहाँ की पूरी प्रोफाइल बनाते हैं क्या पानी का बहाव होगा क्या, क्या क्या कैसी वहाँ की ग्राउंड की प्रोफाइल है रीडिंग्स लेते हैं फिर उनको जी में उस डाटा को सबको क्या कहते हैं असम्बल कंपाइल करते हैं अब तुम तो ही तो सोचो अगर कई सौ किलोमीटर का एरिया है वहाँ पे आपको चेक करना है कि पानी कितना इकट्ठा होता है कैसे फ्लड आती है क्या आती है तो आप वहाँ रीडिंग्स लोगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वो जो रीडिंग डाटा होगा वो तो बहुत सारा टेबल फॉर्म में होगा ना अब टेबल फॉर्म से आप कैसे पता करोगे तो उस टेबल फॉर्म के डाटा को हम किसी जी सॉफ्टवेयर की हेल्प से इम्पोर्ट करते हैं फिर उससे ग्राफिकली और उसको एनालाइज करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं उससे हम पूरा एक चेक कर सकते हैं कि भाई क्या है कहाँ पे सॉइल कैसी किस टाइप की है कहाँ पे स्लोप कैसा है फ्लड आएगा तो क्या कंडीशन होगी उसको सिमुलेशन कर सकते हैं तो इस काम में जीआईएस आता है आपका सिंपली मैप नहीं है बहुत चीज़ें के फील्ड में आता है किस टाइप की सॉइल है है ना एनालिसिस डाटा वाटर शेड ट्रेन मॉडलिंग फ्लो मॉडलिंग डिस्क्राइब ये सब मॉडलिंग बना जी आई एस से ही आप बना सकते हो मॉडलिंग जैसे कि हम कहते हैं ना बिल्डिंग डिजाइन करनी है तो सॉफ्टवेयर होता है उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस यूज़ होता है है ना बीम कॉलम लोड एनालिसिस जो आप पढ़ते आ रहे हो सॉम में पढ़ते आ रहे हो मैकेनिक में पढ़ते आ रहे हो वो सब चीज़ें यूज होती है लेकिन अगर हम बिल्डिंग्स के अलावा नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें जैसे कि ये भी सिविल के अंदर ही आता है जैसे कि आपको फ्लड के बारे में रिसर्च करना वाटर सैड बनाना फ्लड को रोकना ठीक है ऐसी मॉडलिंग बनाना इससे हम पूरा फ्लड का पता कर सकें पहले कि अगर फ्लड आएगी तो यहाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ पानी भरेगा इन सब की मॉडलिंग एक सॉफ्टवेयर पे इमेजनरी मॉडलिंग बनाना फिर उससे हमें क्या कहते हैं पॉलिसी बनाना कि किस तरह से वहाँ पे क्या करना है वहाँ पे आ, कितने लोग रहेंगे कितने लोग नहीं रहेंगे कितने दूर पर लोग रहेंगे लोगों के घरों घर किस तरह से बनेंगे ऐसी पॉलिसी बनाना ये सब कहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई है वहाँ पे क्या भरना है ये सब चीज़ें भी हमारा जीआईएस से यूज़ किया जाता है फ्लड मैनेजमेंट वाटर सेंट तो मैं आपको बता रहा था कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये आगे फ्यूचर में आप ए, मास्टर करने के लिए रिसर्च पर्पज से पी करने के लिए जी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो न्यू टॉपिक है जो अभी ट्रेंडिंग में है ग्राउंड वाटर मॉडलिंग नीचे ज़मीन में कैसे पानी है उसकी मॉडलिंग करना ठीक है आपने मूवीज वूवीज में देखा होगा कोई गुफा गुफा में या डिस्कवरी में देखा होगा गुफा में जा रहे हैं तो स्क्रीन पे जो देखते हैं वो गुफा इस तरह से नहीं दिखाई देती जैसे गुफा में कैमरे से दिख रही हो उसमें कुछ और डाटा कलर फॉर्म में डाटा दिखाई दे रहा होगा जिसमें वो बताते हैं कि यार इन्फ्रारेड से देखते हैं कि गुफा की शेप जहाँ कहाँ टेम्परेचर ज्यादा है कहाँ टेम्परेचर कम है जहाँ ब्लू है वहाँ पे पानी है तो ये सब जो चीज है ना ये सब जी से पॉसिबल है और साथ जी आई अर्थ पर ही नहीं जितना भी स्पेस में काम होता है ना सब जी पे होता है सारा इसी डाटा को कंपाइल कर आप क्या आपको क्या लग रहा है कि जो दूर दूर गलेक्सी हैं लाइट या दूर में गलेक्सी है, उनकी फ़ोटो खींची जाती है नहीं वहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाता है उस डाटा को फिर एनालाइज करके उस डाटा को फिर कन्वर्ट किया जाता है इमेजेस में जब हमें इमेजेस मिलती हैं सिंपल जैसे मोबाइल से, से फ़ोटो खींच तो ऐसे नहीं होता है वहाँ से जो डाटा आता है रिफ्लेक्शन लाइट्स आती हैं ठीक है, है? वहाँ पे कलर्स आते हैं उन सबको फिर उन सब डाटा को टेम्परेचर डाटा प्रेशर डाटा इन सब डाटा को यूज करके ही इमेज को कन्वर्ट किया जाता है ठीक है तो ये सब था आपका जी आई इसके बारे में ये जैसे कि आप ग्राउंड वाटर मॉडलिंग ग्राउंड जमीन के नीचे जो पानी है उसकी मॉडलिंग करनी है एक सिमुलेशन करना है कंप्यूटर पर हमें देखना है कि भाई क्या कंडीशन है कैसे पानी है कहाँ पे कितना कितना ज्यादा है तो उसके लिए डाटा क्या चाहिए वेदर टोपोग्राफ़ी चाहिए वहाँ का लैंड कवर कितना है वाटर लेवर जियोलॉजिकल डाटा चाहिए ये सब डाटा जो होता है डाटा नंबर की फॉर्म में तो मिलता है है ना उन सबको फिर एनालाइज करना और क्या कहते हैं कन्वर्ट करना और डिस्प्ले करना फिर उससे डिसीजन लेना ये सब काम हमारे जी सॉफ्टवेयर करते हैं और जो इसका स्किल बंदा होता है वो इन सबको यूज़ करके इन सब से करता है रिसर्च करता है तो इसमें सिविल में बहुत ज़्यादा स्कोप है जी का और बहुत लोग पी करते हैं जी आई एस मॉडलिंग पे जैसे कि अभी कह रहा है ग्राउंड मॉडल मॉडलिंग या फ्लड मॉडलिंग या फिर आपका और क्या दिया हुआ है इन्होंने वाटर शेड मैनेजमेंट फ्लड मैनेजमेंट यहाँ सब जगह जी आई एस यूज़ होता है तो हाइड्रोलॉजी में जी आई एस यूज़ होता है फ़ॉरेस्ट को रिसर्च करना हिली एरिया को रिसर्च करना मिनरल्स को रिसर्च करना यहाँ सब जगह जी आई एस आपका यूज़ होता है ऑयल uh, को रिसर्च करना ये सब जा, क्या है आपका जी का बहुत बड़ा इसमें एक सपोर्ट होता है इन सब चीज़ों में करने के लिए तो बहुत अच्छा टॉपिक है तो आप इसमें देख सकते हैं जिस किसी का इंटरेस्ट आए तो इसमें और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं यहाँ तो बस बेसिक एक यूनिट दी हुई है आपको और इसी के साथ आपकी जो थर्ड यूनिट है वो फिनिश होती है फोर्थ यूनिट जो आपकी वो है फोटोग्रामेट्री सर्वे यानी कि सर्वे अभी तक हम कैसे करते थे ग्राउंड पे इंस्ट्रूमेंट से अब हम प्लेन से फोटो खींच के कैसे सर्वे करते हैं वो होगा और जो फिफ्थ यूनिट है आपका वो है आपका रिमोट सेंसिंग जो एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक जी का एक पार्ट है जैसे कि जी एक जी का पार्ट है ठीक है तो लगभग फोटोग्रामेट्री में कुछ नूमेरिकल्स भी हैं है ना फोर्टी परसेंट नूमेरिकल सिक्सटी परसेंट थ्योरी और उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है आपका जी सॉरी रिमोट सेंसिंग उसमें थ्योरी है पूरी तो आपका जो मेन न्यूमेरिकल है वो फर्स्ट और यूनिट और सेकंड यूनिट में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी फर्स्ट सेकंड से ही आएंगे ज्यादा मार्क्स के ठीक है तो ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट सुबह से कम स्टूडेंट है तो क्लास को यहीं पे लीव करते हैं और कल आपकी अगर क्लास है तो कल स्टार्ट होगी फोर्थ यूनिट एक मिनट ये देख लो मैं ये भेज ही देता हूँ डाटा आपको ये वाला भूल जाता हूँ देखो यहाँ पे जो है ना ये टीम्स में जो आप जाओगे ये जो है आपका सर्वेइंग इसमें जो फाइल्स हैं यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ फाइल और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सर्वेइंग 26 ट्वेंटी सिक्स जो जीपीएस पी था उसके लिए ये सब नेट से मिल जाएगा मैं भी तो नेट से ही मेरे पास एक बुक अवेलेबल नहीं है और जो बुक मैंने आपको भेजी थी पुनामिया की उसमें ये सब है नहीं है तो मैं भी नेट से ही बस टॉपिक लिख के सर्च करता हूँ तो आप भी ऐसा कर सकते हो है यहाँ से आप देख लेना इसको ठीक है फिर आप लीव कर सकते हो क्लास को मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर लिए